हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, ये है सीओबी स्पॉटलाइट। सीओबी स्पॉटलाइट अगर आप घर में लगा रहे हो तो कितने वोल्टेज की लगानी चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम वोल्टेज क्या होना चाहिए, आप कॉम्बिनेशन में लगा रहे हो पैनल लाइट के साथ या फिर आप इंडिविजुअली ओनली सीओबी की लाइट का यूज़ कर रहे हो अपने घर में, तो कौन सी सीओबी लाइट यूज़ करनी चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती रहेगी गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो फ्रेंड्स, सीओबी स्पॉटलाइट आज की तारीख में काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है, और मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपके घर बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, शोरूम बन रहा है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो जहां पे आप लाइट का यूज़ कर रहे हो, तो सीओबी लाइट का यूज़ ज़रूर कीजिए। कॉम्बिनेशन में रखना है तो कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, ब्राइट लाइट के लिए आप पैनल लाइट या डाउन लाइट का यूज़ कीजिए, बट सीओबी लाइट को भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि सीओबी लाइट की जो लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी लाइट्स आती है, और डेकोरेशन पर्पज़ में या इंटीरियर पर्पज़ में काफ़ी अच्छी लाइट लगती है, और आपका जो भी डेकोर होगा, जो भी इंटीरियर होगा आपका, उसको चार चांद लगा देगी गाइस। तो मेरी ये एडवाइस है कि कहीं पे भी आप सीओबी का यूज़ कीजिए, तो रात के टाइम पे उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा, होटल, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट हॉल्स या बड़े बड़े इवेंट्स में भी आपने देखा होगा कि सीओबी लाइट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है रात के टाइम पे, उसकी ब्यूटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सीओबी स्पॉट की इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंडिविजुअल चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सीओबी लाइट्स के वीडियो मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो उसमें भी आप जाके सीओबी स्पॉट्स की और डिटेल्स आप निकाल सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज उस पे आते हैं कि घर में कितने वॉट की सीओबी लाइट्स लगानी चाहिए। तो गाइस, दो तरह की सीओबी लाइट्स यूज़ करते हैं लोग। पहले तो एक कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है, जहाँ पर अगर आपने पैनल लाइट लगाई है, डाउन लाइट लगाई, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो ब्राइट लाइट के लिए तो पैनल लाइट या डाउन लाइट का यूज़ किया जाता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में सीओबी स्पॉटलाइट का यूज़ किया जाता है। सीओबी स्पॉटलाइट जनरली टीवी यूनिट वगैरह में लगती है, या फिर आपने कहीं पे भी कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाए हैं तो वहाँ पे लगती है, या सीलिंग में कॉर्नर्स वगैरह में ज़्यादा करके लगाई जाती है। तो रात के टाइम पे आपकी जो ब्राइट लाइट है, पैनल लाइट या डाउन लाइट आप बंद करते हो, टीवी देख रहे हो, आराम से रिलैक्स कर रहे हो या बैठे हो, तो जो वो सीओबी लाइट्स है आप उसको ऑन करके बैठ सकते हो, तो काफ़ी अच्छी एम्बियंस लाइट मिलती है। तो इसमें जगाइज अभी अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हो, समझो आपने पैनल लाइट लगाई है, 6 से 8 पैनल लाइट लगा दिया अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में आपने 4 पैनल लाइट लगाई है या 2 पैनल लाइट लगाई है, तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में सीओबी स्पॉट का यूज़ ज़रूर कीजिए। तो अगर आप उस तरह से कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे गाइस, तो मेरी एडवाइस है आप 3 वॉट की सीओबी स्पॉट लगाइए। आप ये देख सकते हो इस तरह के कुछ सीओबी स्पॉट्स आती है, जिसमें सेंटर में आपको मूविंग ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी एंगल में इसको आप रख सकते हो, आप देख सकते हो। तो जनरली क्या होता है, सीओबी स्पॉट जो होती है उसकी जो लाइट्स है एक स्पॉट क्रिएट करती है, कहीं पे भी नीचे अगर आप कुछ रखा होगा तो उसको हाईलाइट करती है और एक स्पॉट क्रिएट करती है। इसकी लाइट जो साइड में स्प्रेड काफ़ी कम होती है। अगर आप पैनल लाइट देखोगे तो पैनल लाइट की देखो साइज़ ये आती है, अभी मैं 15 वॉट की साइज़ आपको दिखा रहा हूँ, तो 15 वॉट की लाइट क्या है, डायरेक्ट जो स्प्रेड होती है लाइट, और इसकी जो लाइट फैलती भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है, आप ये देख सकते हो। कंपेरेटिवली सीओबी स्पॉट में आपको वैसा देखने नहीं मिलेगा, सीओबी स्पॉट में एक लाइट आपको एक थ्रो मिलेगी, एक फोकस मिलेगा, और साइड में इसकी जो लाइट है हल्की सी लाइट आपको आजू बाजू में देखने मिलेगी। तो सीओबी स्पॉट का एक जनरली एक स्पॉट क्रिएट करता है। तो अगर आप पैनल लाइट 6 या 8 पीस लगाइए, उसके साइड में मिनिमम 4 पीस लोग सीओबी स्पॉट के लगाते हैं, तो आप 3 वॉट की सीओबी स्पॉट लगाइए जिसमें ऐसा मूविंग ऑप्शन हो, जिसको आप वॉल पे थ्रो कर सको। जैसा अभी मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, तो पिक्चर में जो इसकी वॉल पे एक डिज़ाइन क्रिएट हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। रात के टाइम पे आप सारी लाइट बंद कीजिए और सिर्फ इसको यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं 3 वॉट इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, कि 3 वॉट एक सॉफ्ट लाइट है, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है और ज़्यादा डिम भी नहीं है, एक मीडियम लाइट है जो अच्छा लाइट थ्रो करती है, और जितनी डिम लाइट में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी लाइट देती है। इसमें आप 6 वॉट भी लगा सकते हो अगर आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो, क्योंकि 6 वॉट की लाइट थोड़ी ब्राइट हो जाती है, तो आपकी पैनल लाइट जितनी आपको थोड़ी बहुत ब्राइट दिखेगी, तो अगर आपको उतनी ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट है तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन है, अगर आप 3 वॉट की लाइट लगाओगे तो आपका एरिया सफिशिएंट कवर कर लेगा और रात को एक हल्की सी डिम और एम्बियंस लाइट आपको क्रिएट करेगा। बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, कोई भी कलर ले सकते हो, बट वार्म वाइट की जो इफेक्ट है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो सीओबी लाइट्स आप यूज़ कीजिए कॉम्बिनेशन में, तो इस तरह की 3 वॉट की सीओबी मैं सजेस्ट करूँगा।
पहले डिसाइड कीजिए आपको कितने वॉट की लगानी है, क्योंकि 6 वॉट की जो कटिंग साइज आती है वो बड़ी होती है, 3 इंच के आसपास आती है। 3 वॉट की जो सीओबी आती है उसकी कटिंग साइज 2 इंच की आती है गाइस। तो अगर आपने 6 वॉट की लगा ली और उसके बाद अगर आपको छोटी लगानी है तो आप नहीं लगा पाओगे, होल आपका कटिंग जो बड़ा हो गया रहता है तो उसको फिर वापस आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल है। तो पहले डिसीजन लीजिए आपको 6 वॉट की रिक्वायरमेंट है या 3 वॉट की रिक्वायरमेंट है। मेरा सजेशन है कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, जस्ट डेकोरेटिव पर्पस के लिए लगा रहे हो तो आप 3 वॉट की लगाइए, 6 वॉट मत लगाइए। ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप 6 वॉट के लिए जा सकते हो। प्राइस रेंज में भी 3 वॉट और 6 वॉट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ब्रांड की पैनल लाइट लेने जा रहे हो तो आपको 300 के आसपास 3 वॉट मिल जाएगी और 400 से 450 के आसपास आपको 6 वॉट की मिल जाएगी। ब्रांड में 2 साल की वारंटी मिलेगी। सीओबी लाइट के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसको आप मैक्सिमम टाइम भी यूज़ कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जन। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में लाइट लगा रहे हो तो मेरा सजेशन है 3 वॉट की सीओबी लाइट लगाइए, काफ़ी बेटर है। कोई भी ब्रांड और नॉन ब्रांड में आपको इजीली मिल जाएगी और लाइफ काफ़ी अच्छी है। वारंटी के बाद भी आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो इसमें एक छोटा सा ड्राइवर लगा है, ड्राइवर इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 3 वॉट या 6 वॉट आप कुछ भी लेते हो तो इजीली आपको ड्राइवर मिल जाएगा, आप चेंज कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर जो LED चिप आप देख रहे हो, अंदर आप सेंटर में देख रहे हो, तो ये LED चिप भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, इजीली रिपेयर करा सकते हो। तो आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स आपका यूज़ होने के बाद भी आप इसको रिपेयर करके अगेन यूज़ कर सकते हो। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन की लाइट गाइस। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अपने घर में सीओबी लाइट्स लगा रहे हो, बाकी कोई भी पैनल लाइट या डाउन लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस जगह पे आपको जो सीओबी स्पॉट है वो कम से कम हैवी वोल्टेज की लेनी पड़ेगी। 12 वॉट से 16 वॉट के आसपास आप जा सकते हो। एरिया बड़ा है तो आप, हाइट ज़्यादा है तो आप 20 वॉट भी कंसिडर कर सकते हो, बट 12 वॉट से 16 वॉट इनफ हो जाती है घर के लिए। बट हाँ, अगर पैनल लाइट लगा रहे हो तो 4 से 6 पैनल लाइट्स में काम हो जाता है। बड़ा लिविंग रूम भी है तो 2 पैनल लाइट और बढ़ाओगे तो पैनल से आपका जो ब्राइटनेस है वो पूरा कवर कर लेता है आपका लिविंग रूम का। उसी जगह को अगर आपको सीओबी लगाते हो, जैसे पैनल लाइट कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ब्रॉड है, तो इसकी लाइट का जो थ्रो है वो भी काफ़ी ब्रॉड होता है और इसकी लाइट डायरेक्टली स्प्रेड होती है तो एरिया ज़्यादा कवर करता है। तो 6-8 पैनल लाइट्स में पूरा लिविंग रूम अच्छे से हाईलाइट कर लेता है। उसी जगह पे अगर आप सीओबी स्पॉट लगाते हो 12 वॉट 16 वॉट, तो उसकी जो डायमीटर है वो हल्की सी बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है सीओबी स्पॉट की, और अंदर एक सिंगल बल्ब होने के कारण इसका जो थ्रो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी आप लोगे तो उसका खाली स्पॉट बढ़ता जाएगा, लाइट ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी। पैनल लाइट की स्प्रेडनेस डायरेक्ट होती है, सीओबी स्पॉट की लाइट आपको इस तरह से नीचे गिरेगी। तो अगर आप लिविंग रूम में 6 पैनल लाइट की जगह पे अगर आप सीओबी लगा रहे हो तो आपको कम से कम 10 से 12 सीओबी लगानी पड़ेगी, क्वांटिटी उससे डबल लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका रूम हाईलाइट होगा, प्रॉपर ब्राइट होगा। और आपको उस तरह से प्लेस करना है कि आप जहाँ पे भी बैठे हो उसके ऊपर ना आए, क्योंकि स्पॉटलाइट डायरेक्ट थ्रो होती है, तो जहाँ पे भी आपका सेटिंग है उससे थोड़ा आपको आगे पीछे लगाना है तो लाइट आपके ऊपर थ्रो ना हो, थोड़ा आगे आजू बाजू उसका थ्रो हो। तो उस तरह से आपको 12 वॉट से 16 वॉट की सीओबी आप लगा सकते हो। सीओबी में और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पैनल लाइट काफ़ी कम डेप्थ में मिल जाती है, काफ़ी कम डीप इसमें होती है, आपका 1 इंच से 2 इंच में वो डेप्थ में बैठ जाती है। तो पैनल लाइट के लिए जो अंदर पीओपी में जो डीप चाहिए, जो स्पेस चाहिए, 1 से 2 इंच में हो जाता है। उसी तरह अगर आप सीओबी स्पॉट लेते हो तो 3 वॉट से लेकर 6 वॉट की जो आपको सीओबी मिलेगी वो आपको 1 से 2.5 इंच के अंदर बैठ जाएगी। बट अगर आप उससे बड़ी सीओबी ले रहे हो, 12 वॉट ले रहे हो, 16 वॉट ले रहे हो, तो उसके अंदर जो उसकी डेप्थ है थोड़ी बढ़ जाती है, 3 इंच, 3.5 या 4 इंच तक भी चली जाती है। तो अगर आप सीओबी स्पॉट लगाना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आपके घर में ओनली सीओबी स्पॉट लगे, तो आपको पीओपी में उतनी डेप्थ रखनी पड़ेगी, उतनी स्पेस रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो आप सीओबी स्पॉट नहीं लगा पाओगे और आपको पैनल लाइट ही लगानी पड़ेगी। आपको अच्छी डिज़ाइन में सीओबी चाहिए, अच्छे कलर्स में सीओबी चाहिए, तो आपको अपनी पीओपी जो सीलिंग है उसमें थोड़ा स्पेस बना के रखना होगा, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये थी हमारे सीओबी स्पॉट लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें अगर आप गाइस कहीं पर भी कन्फ्यूज है तो मुझे मेल कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं सारे रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं इसी तरह अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ जो आपको मिलती रहेगी। तो खुश रहेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।